और चलिए अब जयपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां एक युवती की बहादुरी देखने को मिली है। दरअसल एक सरफिरा पकड़ा गया है। मुरलीपुरा थाना इलाके का ये मामला है, जहां युवती से ये व्यक्ति अश्लील हरकतें कर रहा था और इस बीच युवती ने दांतों से बदमाश के हाथ पर काट लिया। युवक घबरा कर बाइक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने बाइक जब्त कर युवक को भी पकड़ लिया। सीसीटीवी कैमरे में इस दौरान ये घटना कैद हो गई। मुरलीपुरा पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां काफी समय से ये लड़की को छेड़ा करता था और अश्लील हरकत इस दौरान कर रहा था। इस युवती ने भी बहादुरी दिखाई, उसने पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे सबक सिखाया। ये सीसीटीवी फुटेज है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से भिड़ गई ये महिला भी इससे और इसके हाथ पर काट लिया। इस महिला ने भी इसे सबक सिखाने की ठानी और जब महिला ने इसे सबक सिखाया तो ये भी घबराकर मौके से भाग निकला, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। सत्यनारायण हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सत्यनारायण, इसी तरह का सबक सिखाने की जरूरत है ऐसे सिरफिरों को? जी बिल्कुल, हालांकि ये वारदात है वो काफी गंभीर है, लेकिन जिस प्रकार से इस युवती ने उस मंचले का मुकाबला किया, उसको पकड़ने की बेहद कोशिश की, उसके हाथों पर अपने दांतों से काटा भी उसको, इससे कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक संदेश देता है जो जयपुर की और जो पूरे देश की लड़कियां हैं युवतियां हैं उनको संदेश है कि अगर बहादुरी अपनी है तो आप उसको पकड़ सकते हो, ऐसी जो घटनाएं होती है उनको रोक लगा सकते हो। और यही कारण आज सामने आया, जब जो आरोपी था उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वो वहां से फरार हुआ तो उसने उसकी बाइक को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे कि बाइक के नंबर के आधार पर वो आरोपी पकड़ा गया और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। जी सत्यनारायण, ये कौन सी जगह है? काफी सुनसान ये इलाका लग रहा है, आसपास कोई वहाँ मौजूद नहीं था और लेकिन ये महिला भी घबराई नहीं उस दौरान? बिल्कुल, मुरलीपुरा थाना इलाके में ये जो इलाका है ये पड़ता है, यहाँ पर ये महिला अपने घर से जाने के लिए निकली थी। करीबन 9:45 पे विवाद क्या हुआ और उस समय इस मंजिले में युवती अपने मार्केट जा रही थी अपनी स्कूटी से, लेकिन इसी दौरान जो युवक आया और उससे अभद्र बातें करने लगा, इशारे करने लगा, लेकिन युवती ने उसका डटकर मुकाबला किया, उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन काफी धक्का मुक्का किया, हालांकि आरोपी तो वहां से फरार हो गया, लेकिन युवती ने उसकी जो बाइक थी वो अपने कब्जे में ले ली और तुरंत सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तत्परता दिखाई इस मामले के अंदर। जल्दी पुलिस पहुंची, उसके बाइक के आधार पर घर पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सत्यनारायण, कुछ पता चल पाया कि जो ये मर्दानी जिस तरीके से लड़ी है उसका नाम क्या है, आखिर वो कहाँ से है और इस सिरफिरे का कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, नाम भी उसका सामने आ चुका है और उसने FIR जो हिम्मत दिखाई है थाने के अंदर भी, उसने जो आरोपी है उसके खिलाफ FIR भी दी है, साथ साथ जो घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसकी फुटेज भी पुलिस को सौंपी है, जिससे कि पूरा मामला पुलिस के सामने आ जाए, जो सबूत के तौर पर भी ये सीसीटीवी पुलिस को दी है। तो हम कह सकते हैं काफी अच्छी जो जिस प्रकार से उन्होंने अपना मुकाबला किया है इस घटना से लड़ने के लिए, संदेश देती है पूरे देश के अंदर कि युवतियों को इस प्रकार घटनाओं में आगे आना होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए सत्यनारायण। बिल्कुल अनु, ये तस्वीरें वाकई बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर आती है लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरीके की घटना जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है और सबके सामने एक मिसाल भी गायब होती है। हमारे साथ खुद अभी पूजा बिंदल जुड़ गई है, बहादुर बेटी है वो प्रदेश के, उनसे बातचीत करते हैं। पूजा जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर कोई आपको मर्दानी की उपाधि दे रहा है लेकिन वाकई आपने बहुत सराहनीय काम किया है, लेकिन जरा बताइए कि उस दौरान हुआ क्या था आपके साथ? मैडम कुछ भी नहीं हुआ था, मैं एक्चुअल में अपनी स्कूटी पे चली थी अपने बच्चों के लिए टिफिन देने जी स्कूल में जी, तो मेरी स्कूटी बंद पड़ गई, तो वो स्कूटी बाइक पे आया कोई बंदा, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैडम क्या हुआ, मैंने कहा भैया कुछ नहीं स्कूटी बंद हो गई, मैं स्टार्ट कर लूंगी, तो बोला मैं आपकी कोई हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मेरा घर 1 मिनट की दूरी पे मेरा घर है। फिर उसने मुझे कहा कि मैडम आप एक बार मेरी तरफ देखिए सही, तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ नजर उठाई तो उसने अपनी पैंट खोल रखी थी और अपना प्राइवेट पार्ट निकाल रखा था उसने, और वो मतलब मुझे दिखा रहा था। पूजा जी, इस दौरान जो तस्वीर है जब आपने भी बहादुरी दिखाई, उस दौरान कुछ लोग भी आसपास से गुजरे थे जब ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था, कि आपने किसी से मदद मांगी थी? हाँ जी, मैंने सबको बोला था, मैंने कहा भैया उसको पकड़ाओ, लेकिन भागने के लिए कोई भागा नहीं उसके पीछे जी। मैंने बोला था, मैंने कहा भैया उसको भाग के पकड़ो,
तो लेकिन वो अपनी बाइक छोड़ के चला गया, तो पुलिस तभी आ गई थी। मैंने 100 नंबर पे फोन कर दिया था जी, जी। पुलिस का पूरा सहयोग रहा, पुलिस ने उसको आधे घंटे के अंदर अंदर पकड़ बिल्कुल, लिया। बिल्कुल पूजा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खुद एसपी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं छोटवाड़ा से, आस मोहम्मद जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आस मोहम्मद जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। वाकई आपने पहल की, जल्दी यहाँ पर उसको हिरासत में ले लिया जिसने अश्लील हरकत की। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने वाकई सराहनीय काम किया, लेकिन सवाल बस इतना है, आखिर इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? बेसिकली इनके पीछे जो रीजन है, जो लड़का है वो बंगाल का है, यहाँ गैस की सफाई का घर लेबर का काम करता है। इनका जो वेरिफिकेशन है अभी वो हमारे लेवल पे नहीं हो पाता है और उसी के अभाव में इनको अपराध करने का मौका मिल जाता है। इसमें ये जो लेडी है पूजा जी, इन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया था और जैसे ही उसने इनकी तरफ अश्लील हरकत और इनको छेड़खानी की कोशिश की तो इन्होंने बाकायदा उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस पहुंच गई। अगर ऐसे हर महिला थोड़ा अपना प्रतिरक्षा में बचाव करने की हिम्मत रखें तो अपराधी को अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ बहादुरी इन महिलाओं को और लड़कियों को दिखानी होगी। आस मोहम्मद जी, क्या कार्रवाई अभी तक इस सिरफिरे पर की गई है? हाँ, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, छेड़छाड़ का 354 का, उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। ठीक है, आस मोहम्मद जी, आपने एक बात बहुत सही की कि महिलाओं को आगे आना होगा, जागरूक होना पड़ेगा और इस तरीके का कदम उठाना होगा, जो वो करते भी है। प्रदेश से ऐसी तस्वीर सामने आ गई है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा तो आपको भी करनी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत दावे किए जाते हैं और फिर जब ऐसी घटना आती है तो सवाल उठेंगे सर। नहीं, बिल्कुल आपका सही कहना है कि हम बिल्कुल एक सुरक्षा प्रोवाइड एजेंसी है, हमें करना है, लेकिन समाज में जो नैतिक शिक्षा का अभाव आ गया है, नैतिक शिक्षा जो प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे जो नहीं दी जा रही है, वो भी एक इसका रीजन है जो सोसाइटी में इस तरह के अपराध हैं। बिल्कुल, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए और कड़ा कानून भी होना चाहिए ताकि दोनों का खौफ यहाँ लोगों में रहे। पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बहादुर बेटी हैं। पूजा, क्या आप यहाँ मैसेज, क्या संदेश उन लड़कियों को देना चाहेंगी जो कि शायद आजकल या फिर सुबह शाम इस तरह की हरकतों से रूबरू होती होंगी, उनका सामना होता होगा ऐसे लोगों से, क्या उन्हें संदेश देना चाहती हैं बहादुरी को लेकर? यही कहना चाहूंगी कि छोटी से छोटी बात को भी दबा के ना रखें। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी बोल रहा है, उसको ऐसी जगह पे मारो वो याद रखेगा जिंदगी भर। मैं भी बस में, लोकल बस में जयपुर में ट्रेवल करती हूँ, कई बार हुआ है, मैंने हर बंदे को मारा ही है, मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं है जी। ये तो भाई सीसीटीवी में हो गया तो उसको पकड़ लिया गया। पूजा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो घटना आपके साथ हुई, और जाहिर सी बात अगर किसी और महिला, किसी बेटी के साथ होती तो शायद वो डर जाती और अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से जा सकती थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने आवाज लगाई, कोई रुका नहीं, तब ऐसे लोगों के लिए और सुरक्षा कैसे होनी चाहिए उसे लेकर क्या कहना चाहेंगी? उसको डराइए ना जो गलत काम कर रहा है, खुद क्यों डर रहे हैं, हम गलत काम कर ही नहीं रहे हैं जी। पूजा जी, आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी और भी काम करना जरूरी है? आस मोहम्मद जी भी हमारे साथ हैं, एसीपी। ये कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, गवर्नमेंट एक एक लेडी के साथ खड़ी नहीं हो सकती जी। पुलिस एक 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 महिला के साथ एक पुलिस वाला थोड़ी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, और हम कितने कामों के लिए पुलिस को बुलाएंगे? बिल्कुल, स्कूल भी जाना है, बच्चों के सब्जी लेके आनी है, घर का राशन लेके आना है, बिजली बिल जमा करवा के आना है, कहाँ कहाँ पे पुलिस आएगी मेरे साथ, बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा पूजा जी, वाकई आपका काम बेहद सराहनीय है और ऐसी सीख जो महिला को मिलनी चाहिए, अगर उसके साथ ऐसी घटना होती है तो उसे यहाँ पर अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, और जैसे आपने कहा कि उसे करनी भी चाहिए क्योंकि हर तरफ पुलिस साथ नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ आस मोहम्मद जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो कह दिया कि बेटियों को खुद की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा आपके ऊपर होती है, इसकी जिम्मेदारी भी कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो कुछ दावे जो आप करते हैं उसकी पालना भी होनी चाहिए।